नमस्कार, मैं हूँ आपके सुधांशु तिवारी। आप देख रहे हैं चैनल वक्त हो गया है खबरों का। मुंबई से सत्य कल्याण में शिवसेना महिला अकाली की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की एक महिला पदाधिकारी की सरेआम पिटाई कर दी। दरअसल कल्याण में स्टैंप बैंकर का कारोबार करने वाली और कांग्रेस की नेता शमीम बानो ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं के साथ ठगी कर दी थी। महिलाओं को मुद्रा लोन का लालच दिया गया था। ऐसे में जब लंबे समय तक लोन नहीं मिला और लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस के तौर पर लोगों से शमीम बानो ने मोटी रकम वसूल ली थी। इसी बीच बीती शाम को कई महिलाओं ने इस मामले में शिवसेना की महिला अघाड़ी की नेता आशा रसाल के पास गई। आशा रसाल उनकी शिकायत सुनने के बाद दर्जनों महिला कार्यकर्ताओं और शिकायतकर्ताओं के साथ सीधे शमीम बानो के पास पहुंच गए। इसी बीच आशा और शमीम बानो में बहस हो गई, जिसके बाद तो सेना की महिला कार्यकर्ता शमीम बानो को जमकर पीटा गया। शमीम बानो ने लोगों से 15,000 से 30,000 तक पैसे वसूले थे। आरोप है कि लगभग 1,000 से 1,500 लोगों से इसने ये फ्रॉड भी किया है। इस कांग्रेसी महिला पर कल्याण की महात्मा फुले पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। शमीम बानो बोल के जो लेडीज थी उसने कम से कम 1600 या 1700 लेडीज लोग को फंसाया गया है। गवर्नमेंट के मुद्रा लोन के विषय से ऐसा फंसाया गया है क्या, ये लेडीज किधर भी ना बैंक में जा सकते ना किधर जा सकते ना कौन सा। उसने बोला बीजेपी के मैं कार्यकर्ता हूँ, वो हिसाब से कांग्रेस की, हाँ सॉरी, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, वो हिसाब से उसने बहुत लोगों को। शमीम बानो नामक एक महिला महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में कोर्ट के सामने जो काम करती है, उसने कुछ लोगों से मुद्रा लोन के नाम पे कुछ पैसे लिए थे, उसके बाद वो उनको बड़ा लोन करके देंगी, ऐसे उन्होंने हमें दिखाया था। ये महिला के ऊपर इसके पहले भी धोखाधड़ी के एक दो मामले और 353 का एक मामला दाखिल है। तो कुछ लोगों ने इसमें इसके पास पैसे दिए थे और उसमें लोन न मिलने के बाद वो लोग उसको कल उसको लेके कंप्लेंट के साथ पुलिस स्टेशन आए थे। उसमें हम लोगों ने 420-406 के तहत गुना दाखिल किया है और उसको भी अरेस्ट किया है। आगे का दबा सब लोग कर रहे हैं। तो इनके बाद खास खबरों के बने रहिए।